पुलिस का जो काम है उसमें जो दो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ये हैं कि एक टाइम निर्धारित नहीं होता, समय निर्धारित नहीं है और ना कोई कार्यक्रम निर्धारित है। हमें इमीडिएट पता चलता है कि कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर या कोई क्राइम हो गया है, या आगे आने वाला नेक्स्ट डे की प्लानिंग क्या है वो हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब स्टार्ट हो जाते हैं इश्यूज। इसके चलते जो पुलिस का स्टाफ है, स्पेशली जो हमारा ग्राउंड स्टाफ है, हमारा जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई हैं, तो ना केवल शारीरिक तौर पे बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर उनके बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके चलते दिल्ली पुलिस कई इनिशिएटिव्स भी लेती रहती है, जो ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे संतुलित रखा जाए या कैसे व्यक्ति को एक तरह से ये जो ये न्यू लाइफस्टाइल डिजीज हैं, चाहे वो आपका डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो या डायबिटिक हो, इन सभी चीज़ों से अवेयर करने के लिए दिल्ली पुलिस इस तरीके के प्रोग्राम कर रही है। और इसका जो मुख्य मकसद है, हमारे सभी जितने भी कर्मचारी हैं उनको स्वास्थ्य, उनका स्वस्थ मानसिक संतुलन रहे, वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें, ना केवल अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ बल्कि अपने पर्सनल ड्यूटीज़ को भी अच्छे से निभा सकें और उनके बीच में संतुलन स्थापित कर सकें। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आम हो, खास हो, नेता हो, अभिनेता हो या फिर लोगों की स्ट्रेस को कम करने, देश में शांति बनाए रखने वाली पुलिस, कोई भी मानसिक तनाव से अछूता नहीं है। इन सब से इतर जब बात देश की राजधानी दिल्ली और इसके रखवाले यानी दिल्ली पुलिस की होती है तो वर्कलोड और स्ट्रेस लेवल कई गुना बढ़ जाता है। कई बार ऐसी खबरें सामने आती है जहां पुलिस के जवान मेंटल स्ट्रेस से पहले डिप्रेशन का शिकार होते हैं और फिर किसी अनहोनी की। हालांकि दिखने में लंबे चौड़े और चौकस बदन की वजह से पुलिस कर्मियों के मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले प्रेशर को जल्दी नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन काउंसलिंग के जरिए मेंटल हेल्थ के दुष्प्रभाव को कम से कमतर किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों के लिए काउंसलिंग सर्विस शुरू की है, जिसमें ट्रेंड काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट दिल्ली पुलिस के जवानों को मेंटल हेल्थ को सही कैसे रखा जा सकता है, कैसे मेंटल स्ट्रेस को खत्म किया जा सकता है, इसके बारे में बताएंगे। पुलिस के जवानों को मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ बनाए रखने के लिए और इन्हें मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूक करने के लिए द्वारका जिला के डाबड़ी थाना के एसीपी ऑफिस में मेंटल अवेयरनेस पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। द्वारका डीसीपी अंकित कुमार सिंह ने जीएनएन न्यूज के साथ बात करते हुए दिल्ली पुलिस के स्टाफ के स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के कुछ प्रमुख इनिशिएटिव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अपने ऑफिसर्स के लिए काउंसलिंग सर्विस शुरू की है, जिसमें ट्रेंड काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट उन्हें स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वहीं एसीपी अभिषेक गुप्ता ने इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए बताया कि कैसे ये वर्कशॉप दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए कारगर सिद्ध होगी और कैसे मानसिक तनाव को दूर कर पुलिस के जवान अपने काम को और ज्यादा ईमानदारी से कर पाएंगे। ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। एक्चुअली मैं देखता हूँ रोज की पुलिस के ऊपर काफी स्ट्रेस रहता है, मतलब जब से पुलिस में आया तो असली पुलिस की प्रॉब्लम तो तभी पता लगी है व्हेन आई जॉइन पुलिस, कि रात और दिन का पता नहीं है, कभी भी कॉल आ जाती है, जैसा अभी आपने कहा कभी भी कॉल आ जाती है और कभी भी जाना पड़ सकता है और खाने पीने का भी कोई शेड्यूल नहीं है, प्लस ऊपर से अपनी फैमिली लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब रहती है भी, मतलब फैमिली को भी उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, छुट्टी भी मुश्किल ही रहता है सब कुछ, तो उस टाइम अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कई बार देखा है कि मेंटल हेल्थ इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है हम लोगों का, मतलब हमें एक अवेयरनेस की जरूरत है वर्कशॉप की। जैसे कोई और बीमारी होती है, लाइक पेट में दर्द हुआ तो पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं, या आपके हाथ में दर्द हुआ आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे, या आपका मतलब कुछ भी अगर बीमारी होती है डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात आती है, अगर हमें पता है हम इल है मेंटली, हमारा साइकोलॉजिकल इस टाइम बैलेंस बिगड़ा हुआ है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हमें लगता है लोग हमें साइको कहेंगे, पागल कहेंगे, हम उस चीज़ को अपने घर में दबा के रखते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग सब बातें करें, अपने सीनियर्स को बताएं, अपने घर वालों को बताएं, या डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, इसको किसी भी बीमारी की तरह लें,
इसको नेगलेक्ट ना करें। एक थोड़ा सा ही प्रोग्राम रखा गया है, कुछ उन्होंने उपाय बताए हैं कैसे, जैसे उन्होंने कहा कि जितना समय मिले उसमें प्रॉपर आराम करें, उसमें मोबाइल इंटरनेट से दूर रहें, और मतलब जितना हो सके आराम करने की कोशिश करें, क्योंकि समय ऑलरेडी कम है, तो अगर आराम करेंगे तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी बाकी, और अपने काम के प्रति भी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, और लोगों से स्वभाव भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग लोगों से डील कर रहे हैं, मशीनों से नहीं। तो दिन भर पता नहीं किस किस लोगों से डील करना पड़ता है, क्रिमिनल से भी करना पड़ता है, अच्छे लोगों से भी करना पड़ता है, उस टाइम अपने मेंटल हेल्थ को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। जो ये प्रोग्राम है वो लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है कि हम अपने आप को जाने कि हम अब किस स्थिति में हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, या हमारे समाज में, हमारे परिवेश में, हमारे आसपास के वातावरण में कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है या अस्वस्थ है, इसको कैसे जान सकते हैं। तो उसके कुछ हमारी स्टेज हैं, कुछ लक्षण हैं जिन पे हम बातचीत करते हैं, लोगों को बताते हैं कि उन लक्षणों को अगर हम देखेंगे, गौर करेंगे, तो हम ये पहचान पाएंगे कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या हमारे पास में रहने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है या अस्वस्थ है। जैसे कि अभिषेक गुप्ता जी ने कितनी बड़ी बात की कि अपने आप को मजबूत रखना है, मेंटली फिट रखना है, क्योंकि आपको काम 24 घंटे करना होता है, जब भी आपको समय मिले तो आप अपने मोबाइल को यूज ना करके सिर्फ आराम करें, ताकि आप जो है स्वस्थ रहें। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी अपने इलाके में आप शांति, सेवा, न्याय का काम कर पाएंगे, और लोगों से कहें कि पुलिस के आंख, नाक, कान बनिए, ताकि आपका क्षेत्र शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहे और आपके घर में सुख शांति बनी रहे, कोई परेशानी ना आए, असामाजिक तत्वों से आप बचे रहें। कैमरा पर्सन आशु गुप्ता के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली।